जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में साइंस 40 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो ये लेक्चर है आज हमारा नवा लेक्चर है। ठीक है, आज नवा लेक्चर है। अभी तक हमने 8 लेक्चर कर दिए हैं पूरे। ठीक है, कंप्लीट आप उनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए ही। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। ठीक है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन हैं? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक जो हैं लीनियस हैं। ठीक है, लीनियस हैं, लीनियस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो एक्रोलिन है। ठीक है, एक्रोलिन है। एक्रोलिन क्या है? एक्रोलिन, एक्रोलिन एक फाइबर है। ठीक है, एक्रोलिन क्या है? एक्रोलिन एक फाइबर है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? ठीक है, ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? तो ओजोन गैस जो होती है उसमें सड़े मछली की तरह गंध आती है। ठीक है, किस तरह की गंध आती है उसमें से? सड़े मछली की तरह गंध आती है। ओजोन में क्या होता है? ऑक्सीजन होते हैं, इसका जो O3 होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो किस गैस में सड़े अंडे की गंध आती है? ठीक है, सड़े अंडे की गंध किस गैस में से आती है? तो ये आती है हाइड्रोजन सल्फाइड से। सड़े हुए अंडे की जैसी गंध आती है। ठीक है, सड़े हुए अंडे की जैसी गंध किस में से आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड से। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? ठीक है, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? ठीक है, जैसे सड़क किनारे पेड़ों की पत्तियां काली होती हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये वायु में किसकी अधिकता होने के कारण पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? तो किसकी कमी होती है इसमें, किसकी अधिकता होती है? सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता जब हो जाती है पत्तियों में तो ये पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं। ठीक है, पेड़ों से। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी पर्वतों से भी सल्फर डाइऑक्साइड ही निकलती है। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वतों से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित बना देता है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है? जल को कीटाणु रहित बना देता है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है? जल को कीटाणु रहित बना देता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक का पानी को गर्म करने पर पानी का घनत्व क्या होता है? पहले 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है, फिर क्या होता है? उसका घनत्व घटता है। ठीक है, क्या होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो बढ़ता है, फिर घटता है। तो अधिकतम कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम तो बंद कमरे में स्टोव अंगीठी प्रयोग न करने की सलाह निम्नलिखित में से किस कारण से दी जाती है? ठीक है, कभी बंद कमरे में जब जाड़ों के दिनों में तो बंद कमरे में अंगीठी या स्टोव को अंदर जलाने की सलाह नहीं दी जाती है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी गैस बन जाती है उत्तरदायी है? ठीक है, जो हानिकारक होती है। तो ये कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड के विषायण। ठीक है, इससे क्या हो जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से जो विषाक्त गैस होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेतक होता है? ठीक है, अगर बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो क्या होता है? आंधी और तूफान आने का संकेत होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो पेंडुलम
पेंडुलम यानी कि लोलक जो होता है, पेंडुलम का चंद्रमा पर ले जाने पर उसका उसकी समयावधि पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी समयावधि बढ़ जाती है, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी पेंडुलम की, जो लोलक होता है पेंडुलम की समयावधि अगर हम चंद्रमा पे उसे ले जाते हैं तो उसके उसकी बढ़ जाती है, क्या समयावधि बढ़ जाती है उसकी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो पानी की अस्थाई कठोरता को किसका प्रयोग कर दूर किया जा सकता है, ठीक है, पानी की अस्थाई कठोरता को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, किसका प्रयोग हम कर सकते हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे हम, CaOH होल्ट्वाइज, ठीक है, CaOH होल्ट्वाइज का प्रयोग करके हम इसके पानी की अस्थाई कठोरता को हटा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो सोडियम जिंकेट का सूत्र है, ठीक है, सोडियम जिंकेट का सूत्र है, सोडियम जिंकेट का जो सूत्र है Na2ZnO2, ठीक है, Na2ZnO2 हमारा क्या है, सोडियम जिंकेट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है, पिटवा लोहा शुद्धतम रूप होता है, ठीक है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है, पिटवा लोहा। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु कौन सी है, निम्न में से एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, यूरेनियम में से सबसे भारी धातु है यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम धातु जो है सबसे भारी धातु है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, क्षारीय यानी कि बेसिक होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 17, आप हमारी और भी जो उत्तराखंड वंदरों का प्लेलिस्ट है उसमें आप काफ़ी हमारी वीडियो हैं, ऐसे ही प्रैक्टिस वीडियो हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हैं, उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, अधातु हमारा जो होता है उसके ऑक्साइड प्रायः होते हैं, क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्या होते हैं, अम्लीय एसिडिक। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, सबसे जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो सोडा वाटर है, ठीक है, सोडा वाटर क्या है, सोडा वाटर क्या है, सोडा वाटर मिश्रण है गैस और द्रव विलयन का मिश्रण है, ठीक है, सोडा वाटर क्या है, गैस और द्रव विलयन का मिश्रण है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं हम, ऑक्सीकरण को हम परिभाषित करेंगे इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में, ठीक है, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो सोडियम का सबसे अधिक पाए जाने वाला लवण कौन सा है, सोडियम का सबसे अधिक पाए जाने वाला लवण कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो Fe रासायनिक प्रतीक है, Fe रासायनिक प्रतीक, किसका रासायनिक प्रतीक है, सिंबल Fe लोहे का है, ठीक है, किसका है, आयरन का, लोहे का। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो ऑक्साइड बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्साइड बनाने की क्रिया को, ऑक्सीडेशन को बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं ऑक्साइड बनाने की क्रिया को, ऑक्सीडेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसे किया जाता है, थर्मोकपल को किया जाता है, ठीक है, अगर हम ऊष्मा को
विद्युत ऊर्जा में चेंज करेंगे या परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा, थर्मोकपल से प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो चिली सीरा यानी कि चिली साल्टपीटर किसका सामान्य नाम है। चिली साल्टपीटर यानी कि चिली सीरा किसका रासायनिक नाम सामान्य नाम है, तो ये किसका है, सोडियम नाइट्रेट को हम क्या बोलते हैं, चिली साल्टपीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिली साल्टपीटर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो पौधे किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है, पौधे के जो किस भाग से जूट की प्राप्ति हम कर सकते हैं, तो पौधे के जो तना होता है, तना उसके भाग से हम तने से हम जूट प्राप्त करते हैं। ठीक है, तने से हम जूट प्राप्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो पिपरी में निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो पिपरी, एक पिपरी जगह का नाम है, तो पिपरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पिपरी काहे के लिए है, पेनिसिलिन के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है पिपरी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट किस तरह की खाद है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट किस तरह का खाद है, तो वर्मी कंपोस्ट कैसे होता है, केंचुए द्वारा उत्पादित जैविक खाद है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, केंचुए द्वारा उत्पादित वर्मी कंपोस्ट केंचुए द्वारा उत्पादित जैविक खाद है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो इनमें से कौन सा हार्मोन नहीं है, इंसुलिन, एड्रिनलिन और थायरॉक्सिन और हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हार्मोन नहीं है, हार्मोन कौन सा नहीं है इसमें, हीमोग्लोबिन हार्मोन नहीं है, बाकी इंसुलिन, एड्रिनलिन और थायरॉक्सिन हार्मोन है हमारे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में ओजोन में होती हैं, ओजोन में क्या होती हैं, ओजोन में केवल ऑक्सीजन होती हैं, क्योंकि O3 होता है ऑक्सीजन। ठीक है, O के तीन परमाणु होते हैं इसमें ओजोन में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित तंतु है, मानव निर्मित तंतु मतलब रेशा कौन सा है, तो मानव निर्मित रेशा या तंतु कौन सा है, रेयॉन है। ठीक है, रेयॉन मानव निर्मित तंतु है, बाकी प्राकृतिक ऊन और रेशम कपास क्या है, प्राकृतिक रेशे या तंतु हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, एस्पिरिन का जो रासायनिक नाम है एसिटिक सैलिसिलिक एसिड है। ठीक है, एसिटिक सैलिसिलिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33 है किसी भी परमाणु कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, परमाणु की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु की कक्षा में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु की कक्षा में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन की बात करें तो हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब हाइड्रोजल के कारण होता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है, जल की कमी के कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, मानव शरीर में। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 35। एंग्लो न्यूबियन किसकी नस्ल है, तो एंग्लो न्यूबियन किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है एंग्लो न्यूबियन। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो चूने का जल लाइम वाटर में क्या होता है, चूने का जल लाइम वाटर में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, चूने का जो जल होता है लाइम वाटर, उसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 37। हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित में से किस वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है, तो हशीश नामक ड्रग जो होता है वो बनाया जाता है भांग के फूलों से बनाया जाता है। ठीक है, भांग। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन सबको पता है पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु
है, ठीक है। सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय धातु कौन सी है, तो ये है गोल्ड, ठीक है। कौन सी है, गोल्ड यानी कि सोना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। श्वेत फास्फोरस रखा जाता है, ठीक है। श्वेत फास्फोरस कहाँ रखा जाता है, ये रखा जाता है पानी में रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, पानी में रखा जाता है, वाटर में, ठीक है, श्वेत फास्फोरस। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हमारा 10th लेक्चर होगा और 9 लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिए हैं 40 क्वेश्चन के, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन हमने इसमें करा दिए हैं और भी एक कॉम्बो क्लास आएगी 300 क्वेश्चन प्लस की, और इसमें बने रहिए ऑनलाइन स्टडी यूके के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब और भी फ्रेंड्स को शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।